दोस्तों मेरे सामने एक थायराइड की पेशेंट बैठी हैं, उन्हें शिकायत किया कि मैं बहुत बार बार पेशाब जाती हूँ, रात में 3-4 बार पेशाब के लिए उनको उठना पड़ता है, इससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उन्हें बार बार अपना शुगर चेक कराया, खून में शुगर नॉर्मल, पेशाब में भी शुगर नॉर्मल, फिर ये बार बार पेशाब क्यों आ रहा है? तो जान लीजिए कि अपने देश में या पूरी दुनिया में बार बार पेशाब का सबसे पहला कारण होता है ज़्यादा पानी पीना। अब क्वेश्चन उठता है कि पर डे कितना पानी पीना चाहिए। दिल्ली में नवंबर का महीना है, टेम्परेचर बाहर 30-32 डिग्री है, बहुत गर्मी नहीं, पसीने नहीं आ रहे हैं आजकल। आज की दिन कल हम लोग अगर जो घर के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोड मेहनत नहीं कर रहे, तो हम लोग पानी पीना चाहिए 2 लीटर मैक्सिमम, 8 गिलास मैक्सिमम, 8 गिलास, क्योंकि हम पसीने नहीं आ रहे। हम तो एसी में बैठते हैं, हम लोग अभी भी एसी चला रहे हैं हम लोग, तो हम तो और कम पीते हैं। हम लोग मुश्किल दिन भर में 5 गिलास 6 गिलास ऐसा पानी पीते हैं हम लोग। जो लोग एसी में नहीं बैठ रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत बाहर नहीं जा रहे हैं, वो 8 गिलास पी लें, 2 लीटर पी लें। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चालक हैं, जब लेबर हैं, वो ज़्यादा पीसते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। जब डिटेल हिस्ट्री लिया इनसे मैंने, तो ये बोलती डेली 1 लीटर के 5 बोतल पानी पीते हैं। आप सब जान लो कि हमारी बॉडी में टोटल 5 लीटर खून होता है, ब्लड होता है। जब भी पानी पियोगे, मान लो आपने 2 गिलास पानी पी लिया, आधा लीटर पी लिया, तो सारा आंतों से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। 5 लीटर पसीना आ नहीं रहा है तो ब्लड के ऑलरेडी मात्रा फुल है। नॉर्मली प्यास तब लगती है जब हमारी बॉडी से पसीना में से पानी लॉस हो जाता है, तो ब्लड की मात्रा 5 लीटर से घट के 4.5 लीटर हो जाती है। जब ब्लड में पानी मात्रा घट जाएगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। जब भी खून गाढ़ा होगा तो ब्रेन में हमारा कंसेंट्रेशन सेंसर, जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक रिसेप्टर है, वो सेंस करते हैं ब्लड गाढ़ा हो रहा है। फर्स्ट बगल में बैठे थर्स्ट सेंटर यानी प्यास सेंटर को ऑर्डर करता है कि खून गाढ़ा हो रहा, बॉडी में पानी कमी हो रही है, थोड़ा प्यास लगाओ। तो ऐसे में प्यास बढ़ती है, हम पानी पीते हैं। अगर आज के पसीना नहीं आ रहा या जाड़े महीने पसीने नहीं आ रहा, तो हम केवल वाटर लॉस कहाँ से कर रहे हैं, हम यूरिन से लॉस कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टूल एंड लैट्रिन लॉस कर रहे हैं। तो स्टूल से नॉर्मली हम पर डे लॉस करते करीब 1.5 लीटर पानी, और स्टूल एंड पॉटिस लॉस करते 500 ml पानी, तो टोटल कितने 2 लीटर। तो अगर आप पसीने नहीं आ रहे, ऐसे मौसम में जब पसीने नहीं आ रहे, तो आपको 2 लीटर पानी पीना चाहिए बस। अगर एक्स्ट्रा पानी पियोगे तो बॉडी इसको फट से यूरिन से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि बॉडी को अपना ब्लड का वॉल्यूम लीटर जो है 5 लीटर फिक्स रखना है। जहाँ ज़्यादा हुआ यूरिन से बॉडी से बाहर निकाल लेगा, जहाँ ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ 5 लीटर से, थोड़ा पानी पीकर उसको पूरा कर लेगा। तो सबसे मुख्य कारण होता है पानी ज़्यादा पीना। और पानी ज़्यादा क्यों पीते हम लोग? हमारे देश में सब ने बता दे बचपन से, खूब पानी पिया करो, उसे बॉडी के टॉक्सिन निकल जाते हैं। डॉक्टर नहीं बोला, अगर मेडिकल बात करो तो एक कंडीशन होता है जिसे हम डॉक्टर बोलते पानी ज़्यादा पियो करो, वो किडनी, और किसी को किडनी में गुर्दे में स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, तो हमारे गुर्दे के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस या कैल्शियम ऑक्सीजेट ये सॉल्ट, अगर पानी कम पियेंगे तो किडनी के अंदर पानी रुका रहेगा, तो वहाँ कैल्शियम ऑक्सीजेट या कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल जो वहाँ जम के किडनी स्टोन बना देंगे। और पानी खूब पीते रहोगे तो आपका पूरा जल्दी वॉशअप होता रहेगा, क्रिस्टल डिपॉजिट टाइम नहीं मिलेगा। तो जिसके परिवार में किडनी स्टोन की टेंडेंसी है बार बार, या जिसको पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है, या जिसको किडनी स्टोन है, उनको जरूर पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए उनको? पीना चाहिए करीब 4 से 5 लीटर। सिंपल फॉर्मूला, उनको हर 2 घंटे में यूरिन जाना चाहिए। बाकी लोग को जाड़े में अगर घर के अंदर हैं, पसीने कम वाले मौसम है, तो 2 लीटर। गर्मी में अगर आप एसी का बाहर अक्सर रहते हैं, आपके अंदर कूलर लगा है या कल पंखा लगा हुआ है, तो 3-3.5 लीटर।
अगर आप खेल रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, फिर तो 4 लीटर भी, 5 लीटर, 6 लीटर चलेगा। सिंपल फंडा है, पानी तब पियो जब प्यास लगे। कितने बार ऐसे होता है जब हम टेंस रहते हैं, उसमें प्यास लगती है, स्ट्रेस में भी प्यास ज़्यादा लगती है, किसी को ओट सूखते हैं उसे प्यास ज़्यादा लगती है, तो आपने 2 घूंट पी लिया बस, तो आप गिन के 8 ग्लास से पानी पीने की जरूरत आपको नहीं है जाड़े या इस मौसम में। तो आपको किसने बोला पानी ज़्यादा पी, किडनी फायदा, किसने बोला पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कौन बोला आपको? डॉक्टर ने बोला था। अच्छा, तो सुन लीजिए, अगर किसी को हम बोलते डॉक्टर लोग पानी कम नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग क्या तो पानी बहुत कम पीते हैं, और बहुत कम पानी पियोगे तो किडनी क्या करेगी, पसीने से पानी निकल रहा, या चलने में, या यूरिन से निकल रहा, या लैटरिन निकल रहा, तो ऐसे में क्या करे किडनी जो है, बॉडी किडनी से पानी को निकालना बंद कर देती, कम कर देती है। अच्छा। तो ऐसे में अगर किडनी में पानी कम आएगा तो किडनी में भी, देखो मान लो किडनी फिल्टर के पानी, और फिर थोड़ा काम पानी बहुत कम पी रहे हो आप, और यूरिन को फिल्टर किया, तो यूरिन वहाँ रखा रहेगा, जब तक एक्स्ट्रा पानी उसको धक्का नहीं मारेगा तो वहीं रखा रहेगा, तो सॉल्ट डिपॉजिट खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप किडनी बचाना है तो पानी उचित पियो, ज़्यादा मत पियो, कम ना पियो। तो कम पीना जरूर नुकसानदायक होता है, उससे किडनी स्टोन चांस बढ़ जाता है, और कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है? तो कम पीने से किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है, इसलिए पानी न कम पिए न ज़्यादा पिए, पानी उचित पिए। तो आपका एक्सेस यूरिन इसलिए हो रहा है कि आप पानी ज़्यादा पी रही हैं, और जब पानी ज़्यादा पियोगे तो आप रात को नींद तीजा टूटेगी, आप स्लीप डिस्टर्ब होगी, फिर थकान होगी, बॉडी पेन होगा, फिर वेट गेन कर जाओगे, ब्रोकन स्लीप से वेट गेन हो जाता है, वो हो ही रहे, समझ गया ना? तो आई होप वीडियोस नॉलेज मिले कि पानी कितना पीना है, और बाकी पेशाब ज़्यादा होने अन्य कारण होते हैं। देखो क्या होता है कि कितने बार एक ओवर एक्टिव ब्लड बीमारी होती है, एक हार्मोन की गड़बड़ी होती है, हमारा क्या नाम कि ADH हार्मोन, उसकी कमी से भी बार बार पेशाब ज़्यादा आता है और प्यास लगती है। फिर क्या नाम कि एक होता है बीमारी साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में बीमारी, प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास और यूरिन ज़्यादा आता है। फिर कभी हमारे ब्रेन हाइपोथैलेमस गड़बड़ी से प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है। फिर कभी कुछ हमारे कुछ ड्रग्स उसमें भी ज़्यादा, ड्रग्स से भी मुँह सूखता, बार आदमी पानी पीता है, कुछ साइकिट बीमारी में भी आदमी एक ही दिन 20 लीटर पानी पी जाता है बीमारी की वजह से। पर अधिकांश इंडिया हमारे मिस गाइड किया गया कि खूब पानी पियो, मैं मरी जाते सुबह उठे 4 गिलास पानी पी लेते, अरे भाई 4 गिलास खाए भैया, किसी भी टाइम में 2 गिलास से ज़्यादा पानी कभी नहीं, कितने 2 गिलास ज़्यादा पानी नहीं पीना है, आप 2 गिलास पानी पी लो, वेट करो, अगर बॉडी जो फिर प्यास लग जाएगी। कुछ लोग होते हैबिट पानी पी लिए, पेट में गैस्ट्रिक हो रहा, उनको ठीक है पानी पी रहे हैं, पी लो ठीक है, बट इतना पानी पियो कि 2 घंटे ज़्यादा में एक बार पेशाब जाने लगे, बार बार पेशाब आने मतलब कि आप अपनी नींद से ज़्यादा पानी पी रहे हो। याद करो, आप कभी गर्मी बाहर जाओ खेलोगे कितना पानी पियो तो पेशाब नहीं आता है, इसका मतलब कि पानी पिया पेशाब पसीने उड़ गया, आपने पानी पिया पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, इतनी जरूरत है नहीं आपको। तो आई होप वीडियो आप अच्छा लगा होगा, अच्छा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। इसको यूट्यूब डालूंगा इसको मैं पब्लिक के लिए, बस यहाँ जगह से।